आज मेरे पापा का जन्मदिन है। हेलो किए गए हो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल पे और मेरे नए व्लॉग में। तो गाइज आज फिर से मैं आ चुका एक नए व्लॉग के साथ और ये व्लॉग होने वाला है दोबारा कुकिंग व्लॉग, क्योंकि आज मैं बनाने वाला हूँ केक। आज मेरे पापा का जन्मदिन है तो मैंने आज से पहले कभी केक नहीं बनाया। मैंने काजल के चैनल पे एक बार केक बनवाया था उसका, लेकिन उसमें मैंने कुछ किया नहीं था तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने यूट्यूब पर ना बहुत सारी वीडियोज देख ली केक कैसे बनता है क्या क्या डलता है। मैं अभी सामान लेने जा रहा हूँ, इतना आप सारा कॉमेंट में पापा को विश करूँगा। फटाफट चलते केक का सामान लेंगे। ऑलमोस्ट सब कुछ ले लिया है, ये 1+1 फ्री चल रहा था, उसमें भी थोड़ा ऑफर वगैरह मिल गया। कोको पाउडर और कैडबरी का नहीं मिला तो मैंने हर्शीज का उठा लिया। वैसे एक सिरप नहीं मिला, सिर्फ का भी देखता हूँ क्या करना है, जुगाड़ जुगाड़, वरना बाकी सब तो मेरा ऑलमोस्ट डन हो ही चुका है। और बारिश आ चुकी है, बाहर घर से निकला था पूरा भीग गया। जी स्टोर में आ रखा था, स्टोर की लाइट बच गई। गाइस अभी मैं केक बनाने लगा ही था, लाइट बच गई। कभी कभी ना इतना गुस्सा आता है ना इन चीज़ों पे, लाइट पे भी, या मतलब खुद पे भी, कि कुछ मतलब जब अच्छा करने का मन कर रहा होता ना कि हाँ आज कुछ नया करूँ कुछ करूँ, ऐसी तैसी हो जाती है। अब पूरा मूड खराब हो गया क्योंकि किचन में ना लाइट वगैरह भी कम है, तो मैं कोई सेपरेट लाइट लगानी थी उसके लिए स्विच में वो नहीं है लाइट, ओवन चल नहीं सकता, भड़क होगी 5 मिनट के अंदर ही। देखते हैं, पर यार मैं शुरू कर रहा हूँ वैसे ही थोड़ा बहुत, मैं जुगाड़ करके तुम्हें लाइट दिखाई दूंगा। जो मतलब बनाना है घोलना घूलना है वो तो लाइट में यहीं कर लूँगा, वहीं ना कहीं जुगाड़ करके। बाउल भाई साहब बहुत कीमती है, मेरी माँ ने बोला है कि अगर ये टूट गया ना वीडियो बनाने के लिए ले तो ले, पर अगर ये फूट गया। आज का बाउल ना पहली बार निकला भाई, जैसे कि आप सब जानते हो कि ऐसी ऐसी चीजें ना कभी कभी निकलती है मिडिल क्लास फैमिली में। ये बटर पेपर यार ये 2 दे दिए उन्होंने, मैंने कहा यार मैं एक ही दिन केक बनाऊंगा, उसके अलावा मेरे को बस कोई काम भी नहीं, ना मुझे पता कहाँ यूज होता है केक के अलावा। उन्होंने बोला कि ले जाओ यार ले जाओ, मैंने उसको बोला भी यार एक तू ले ले, कह रहे नहीं नहीं अरे ले ले, मैं क्या मैं व्लॉग बना लूंगा तेरा, कहते नहीं नहीं भैया आप ले जाओ मैं अलाउड नहीं है, अब मैं 2 बटर पेपर ले जा रखा हूँ, इनका कुछ नहीं है आज काम आने वाले। तो फटाफट पहले केक की स्टार्टिंग करते हैं, पापा भी आ चुके हैं, पापा वैसे पता नहीं केक बन रहा है, तो फटाफट पहले केक बना लेते हैं। हाँ ये तो भी आ गई, और आज कैमरे के उस तरफ होने वाली है मेरी बहन, वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि यार ऐसे एक हाथ से सारा नहीं कर पाऊंगा मैं, तो वो पीछे रिकॉर्ड करेगी, उसकी कमेंट्री आप सुनते रहना धीरे धीरे, वो ऐसे बोलते रहेगी ले फोन पकड़ ले। बाकी मैं एक किटकैट एक्स्ट्रा ले आया, वो किटकैट में ना केक के ऊपर रख दूंगा, क्योंकि कुछ तो ना केक में खाने के लिए। चल शुरू करते हैं आ जाओ। हमारे पास मोल्ड वगैरह तो कुछ है नहीं, वो भगोना जो होता है वो हम पे है नहीं, तो मैंने ये सोचा मैं इसी में बना लूंगा, देखते हैं कैसा बनेगा, क्योंकि और कोई आइटम है भी नहीं कि इसमें डालने के लिए कुछ और है नहीं, तो इसी में बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ज्यादा मैं बनाऊंगा नहीं, वो बैटर वैटर जो भी होता है थोड़ा कम बना लूंगा, उसे पूरे में फैला फूलो के सीधा करके दिखाता हूँ। पहले एक थोड़ा सा दूध ले लो, और दूध में ना विनेगर देखो मेरे पास है नहीं, तो मैंने नींबू का ये रस निचोड़ा है, ठीक है अभी थोड़ा सा ना विनेगर वाला ही काम करेगा, नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं अब सीधा। अब भाई थोड़ी सी कॉफी वो करनी है, हमें कॉफी निकालनी है, कम से कम 3-4 पाउच निकाल लो, और उसमें गर्म पानी मिलाना है, गर्म पानी नीचे जाके गर्म कौन करेगा, गर्म सो जाएगा, वैसे मेरे रात का पानी ना गर्म ही रखा हुआ है ऑलमोस्ट, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी छोड़ो, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं होती, पर पता है क्या ये फ्लेवर के लिए है, इससे ना फ्लेवर बढ़िया हो जाता है। अब मेन काम शुरू होने जा रहा है गाइस, ठीक है भाई अब शुरू होगा मौत का खेल, मौत के सौदागर आ चुके हैं मार्केट में, इस साइड है ऋतिक तोमर उस साइड है खुशी तोमर, हेलो बोल दे आवाज तो सुना दे सबको। हेलो गाइस, गाइस ये ना थोड़ी सी कैमरा शाय है, तो ये ब्लॉग में आपको कभी इन फ्यूचर में कभी दिख जा रहा है रक्षाबंधन भैया दूज वगैरह पे तो बात अलग है, वरना ये नहीं दिखेगी, ये बहुत डरती है, ये खुद ही बता देना ये सारी चीजें, इसको पसंद नहीं है कैमरे में आना शुरू से। और एक और मेरी बड़ी बहन है सबसे बड़ी वाली, उससे छूटता नहीं कैमरा उसको, उसकी क्या बताऊं, उसको शायद आपने पहले देख रखा होगा, वो थोड़े टाइम पहले आई थी, वो देख रही होगी अभी भी ये व्लॉग, अभी भी उसका मुंह ऐसे चल रहा होगा, वो वेट करिए कब इंडिया आऊं और कब मैं व्लॉग में आऊं। हां उसका यही है बस, वो तो उसका भी अपना चैलेंज शुरू हो गया शायद, हम तो चाहते ना करे हो जाएगा काम खत्म, अरे यार खुलने देना सारे यूट्यूबर भाग जाएंगे। गाइस आज हम वो चीज खोल रहे हैं जिसका आज तक मेरे को पता भी नहीं है कैसा दिखता है, ये अभी पता लगेगा मेरे को क्या चीज है क्या है इसका यूज भी, मतलब यूज तो खैर पता है केक वगैरह के उसमें लगता है बेस में, पर मैंने आज तक यूज ही नहीं किया है। तूने क्या करी? नो लंच तो रूस में लेके जाते थे ना ऋतिक, अखबार अखबार में अखबार में लंच लेके जाते थे,
दोपहर में लंच नहीं यार, बाद में फॉइल में भी लेके जाते थे, पर शुरू में जब शुरू में तो ऐसे ही था ना भाई, बाद की तो कब की बात है। पता है जब मैं लेके जाता था, मैं जब देखता था ना दोपहर में जब लंच वगैरह होता था, मैं खोलता था पराठों पे ना खबर छपी होती थी। मैं सोचता था कि यार ये मैं क्यों खा, पर खानी पड़ती थी, मैं भूख लगती थी मम्मी, और अलग से सुनाकर भेजती थी ये वापस नहीं आना चाहिए खाना। पहले याद हो जाता था खाना, दोस्त खा जाते थे। भाई प्रशांत अगर तू ये व्लॉग देख रहा हो, प्रशांत तो समझ गया होगा, परेशान कर मैंने फर्स्ट पीरियड में खाना खा लेते थे फर्स्ट पीरियड में, पर उस टाइम तक ना हम फॉइल पेपर पे आ चुके थे। ये तब की बात बता रही हूँ, जब हम फोर्थ फिफ्थ में होंगे तब की बात है ये, जब हम ऐसे जाते थे खाना लेके। तुम भी लेके गए होंगे यार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, पर वो टाइम भी ना मस्त टाइम था, उस टाइम तक हमने क्या जिंदगी दी है। ये तो मुझे आ भी इसमें, इसका क्या करूँ, नीचे की साइड फोल्ड कर देना, पापा खाएंगे भी नहीं, ऐसा लगा। और पापा अगर खा लेंगे तो ब्लॉग देख के कि ये हाथ में ऐसे से रखे इस पे कर रहा हूँ, फिर उसकी बात तो और ना। अरे अरे सूख ले, मैं नहीं खा रहा। गाइस एक ना दिक्कत हो गई थी, ये क्यों नहीं सेट हो रहा था मुझे समझ आया, इसमें दिक्कत ये हुई है, इसके नीचे बटर लगाना था, तो बटर लगाते हैं थोड़ा सा, बटर को हलाल करते हुए ऋतिक तोमर। देख भाई हमारे पास इतने इक्विपमेंट नहीं है जितने उस पे थे, ब्रश वगैरह यूज कर रही है वो मैडम, हम सिंपल सादे सोबर इंसान है, ऐसे पकड़ के ऐसे ही काट के ऐसे रगड़ देंगे, सेम ऐसे ही हम बटर पेपर भी कर देंगे, वो चिपक गया इसकी ना बाउंड्री, काट देता हूँ थोड़ी। अरे भैया केक ही बना रहे हो ना। हे भगवान इतना बना दियो खा सके, वेस्ट ना हो। चलो भाई अभी हमारी मोल्ड भी रेडी हो चुकी है तरीके से। पता है काजल ने घर पे जब केक बनाया था ना तब इतना टफ लग नहीं जाता, अब बना रहा हूँ ना टफ अभी भी कुछ नहीं, क्योंकि सारा सामान आ चुका है ना, बस गर्मी बहुत लग रही है, पंखा चला नहीं सकता, पंखा चलाऊंगा तुम्हें आवाज नहीं आएगी, तो थोड़ा पंखा क्या होता है, पंखा नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, आपने बोला पंखा, पंखा पंखा कुछ भी लगा ले यार, अब बंगाली पहुंच गए। बंगाली पहुंच गए, अभी बंगाल पहुंच गए, तो भी टोपी ऐसी है भाई है ना तू मेरा, मैं तेरी मैरिज लिए। एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच, बहुत है ना, कम कम रखना। गाइस आपके घर में सभी के घर में एक ऐसा डब्बा जरूर पाएगा जिसमें या तो नमक रखी होगी या चीनी रखी होगी, हालांकि इसमें चीनी नहीं है, इसमें खांड रखी हुई है मेरी, मैं चीनी नहीं खाता, मैं खांड खाता हूँ, कितने समझ गए खांड, कम ही डालिए शुगर, खांड है हाँ तो डाल ले फिर, ज्यादा भी नहीं क्योंकि सिरप वगैरह भी डालेगा ना तो वो मीठा हो जाएगा, छह चम्मच डाले मैंने, छह चम्मच चीनी खा लिया, सिरप वगैरह भी मीठा होता है ना, ये ताजी दही मेरी माँ ने बना दी, मैंने मम्मी को बोला था दही खत्म होगी, मेरी मम्मी ने फटाफट से दो घंटे में जमा दी, उसने बोला था 10-15 मिनट तक करना था, मेरे को लग रहा है मैं इतना ताकतवर हूँ ना, मैंने 2 मिनट में पूरी कर दी है बराबर, नहीं मजाक कर रहा हूँ यार, तो सीरियस हो गई मतलब टेस्ट कर भी ना मानेगा नहीं, सच में इतने मस्त लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है कसम से, तेल इसको ही वो फ्रीज करके कटवा दे, मेहनत बच जाएगी। चल अब बड़ी वाली छन्नी लेंगे, पहले मैदा, हाँ पहले मैदा, एक बड़ी चम्मच कोको पाउडर की, एक और थोड़ी आधी और डाल दें, बहुत बुरा लगता है वैसे, मेरे एक दिन सूखा खा लेता, मेरे को लगा पता नहीं कोई मस्ती चीज होगी, ये एक बार पहले इन्होंने बहनों दोनों बहनों ने मिलकर केक बनाया था लॉकडाउन के टाइम पे, मैं मेरे सीधा और जब बचपन में बोर्नविटा के डब्बे खाए हैं चुपचुप के, वो तो मस्त लगते हैं, चुप के बोर्नविटा का डब्बा लेके आते थे अगले दिन खत्म, बेकिंग सोडा कम डालना था या बेकिंग पाउडर कम डालना, बेकिंग सोडा कम डालना, चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा, चौथाई ज्यादा होता है कम होता है, तो पहले कम होता है ज्यादा होता है यार, मेरे को हिंदी कमजोर है यार, तो तेल भी मेरे वाली हालत है, तो एक चम्मच 1/4 कम होएगा, हाँ कम होएगा, बेकिंग सोडा कम डालना है, चलिए ये एक चौथाई वाली छोटी चम्मच इसमें, हाँ इसमें बेकिंग सोडा कम,
ठीक है। ओ मास्टर शेफ कोणी का पसीने के साथ मैं तो नहीं खाने वाली वही कसम से। अब इसको छान लेंगे। उसने क्या बोला था चम्मच मार मार के ऐसे ऐसे छानना ताकि वो ना रह जाए। अरे पागल है क्या, उसकी छन्नी लोकल थी। अच्छा। उससे छन्नी रही थी ना इसलिए उसने बोला था चम्मच मार के छानना। गाइस मैडम ने बोला था स्पेशल यूज करना है। करो। हमारे घर में कहाँ स्पैचुला मिलेगा पहले। अरे नीचे रखा है शायद स्पैचुला। कैसा पहले स्पेलिंग बता। पहले तू बता पहले स्पेलिंग बता। तू कैसे अरे नहीं नहीं बात मत मतलब स्पैचुला स्पैचुला कर रहा है ना स्पेलिंग बता चल जल्दी जल्दी। S P A C T U L A क्या 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 मैंने सुना नहीं। SPACTULA अरे वाह वंदना के बच्चे। और देख कितना बढ़िया लग रहा है भाई। मस्त लग रहा है वैसे तो। मैं पिक्चर देखूं खाने के बाद पता लगेगा मुझे। चलो भाई अब इसमें ना थोड़ा थोड़ा कॉफी ऐड करनी है। थोड़ी थोड़ी वो दूध जो पहले हमने स्टार्टिंग में बनाया था ना ये ऐड करना धीरे धीरे। तो पहले पहले कॉफी डाल देता हूँ। एक बार में शायद नहीं डाल दूंगी भूल गया। धीरे धीरे कोई बात नहीं। बात तो कोई भी नहीं है जब तुम खाओगे तभी तुम्हें पता लगेगा। भाई मस्त लग रहा है। अगर मेरा ये काम चल गया ना गाइस मैं बेकरी खोल लूंगा भाई 200%। यस मैं खाना बनाना आता है ये बात ये भी बता सकते हैं। मैं बहुत टाइम से ना खाना बनाता आ रहा हूँ यूट्यूब पे। गाइस ये बचपन से ही शुरू हो गया था कि ताकि मेरी बीवी खुश रहे। मैंने यार शुरू में इसलिए शुरू कर दिया था। मेरी माँ कहती थी जो खाना बनाने वाले मर्द होते हैं ना उनको बहुत सुथरी बहू। मैं क्या बस बचपन से ही मैंने फिर शुरू कर दी कुकिंग। मैं क्या सुथरी बहू चाहिए और समझदार चाहिए ये दो चीज मिल जाए तो कहाँ कमी आती है। आजकल के टाइम पता ना सुथरी लड़की दिखती ना समझदार दिखती। एक दो होंगी वो कमिटेड होंगी या उनके ब्याह वाली होंगी। वैसे एक बात है अगर वो तेरी वाइफ 16 सोमवार के व्रत रख रही होगी कामयाब है। नहीं तभी तो तू मंगलवार के फास्ट रखता है कि संकट मेरी लाइफ में ना आए। है ना इसलिए तो ट्यूसडे के फास्ट रखता है ना कि संकट मेरी लाइफ में नहीं आना चाहिए। अब कहा रखता हूँ मैं सोच रहा हूँ दोबारा रखने की। टफ होते हैं यार वो रखने काफी टफ होता है बहुत सारी चीजें होती है। मीठा खाना तेरे बस की नहीं है। मीठा खाना मेरी बस की है। खाना तो तेरे सब कुछ बस की है चाहे मीठा हो चाहे नमकीन हो। सही पकड़े हो गाइस। ये दिखाइए मैं वैसे जाइए सोचू मुझे लगता नहीं इसमें और दूध डालना चाहिए। ये ना बन चुका है वैसे थोड़ा और ओवन में रखेगा ना तो हो जाएगा। हल्का सा और डाल दो। हवन कर रहा है क्या। मजा आ रहा है ऐसे भाई बिल्कुल परफेक्ट रेशियो बना। मैंने सोचा नहीं था कि मैंने सोचा था ज्यादा ना बन जाए। वाओ यार थोड़ा ना पतला पतला सा लगा मुझे। ओवन में हो जाएगा सही। उसमें क्यों बचा दिया वो खुद चाटेगा क्या। अरे बतेरा मैंने इसको धोना है। कितनी देर लगाई थी तुमने। हमने शायद 15 मिनट लगाई थी। जल गया तुम्हारा वो नीचे से थोड़ा थोड़ा जल गया था फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो था ना। बटर पेपर पे लगा रहा था ना। हाँ यार ये भी है खर्चा। अरे वी लोग के पैसे आ रहे ना तेरे। दुखती नस पे हाथ रख दिया। इसको सेट करता हूँ तो मैं इसको एक काम करता हूँ 15 मिनट लगाया क्योंकि मैं जितना भी देख रहा हूं। अरे 10 मिनट लगा दे अगर कम लगे वो चेक कर लेंगे ना बीच में कितने 180 डिग्री पे। हाँ 10 मिनट लगा दिया अभी तो मैं किचन की पूरी साफ सफाई कर लेता हूं 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। और इतना ही क्या हुआ करंट लगा। हाँ वो मेटल का है ना शादी वजह से। बाद मत करो 2 मिनट तक सुन हो गया अभी मैं। ऐसे देखने से क्या अच्छा बन जाएगा भाई। मेहनत है मेरी मेहनत एक बार खोल के देख ले कभी अंदर ही अंदर ये फूम हो जाए। रुक जा अभी मत दिखा दिखा दो पर मेरे को देख ले सही सही लग रहा है। बाहर निकाल के देख आंख पर निकाल के देख लेना
अगर नहीं होगा तो फिर पास वो कपड़ा सा तो है नहीं। बन गया देखो गाइस, दिखने में तो सही लग रहा है और पूरा परफेक्ट ही है। इसको ना प्लेट में निकाल के इसकी डेकोरेशन से करके फिर सीधा पापा के पास चलते हैं और हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और वहीं पे पूरी डेकोरेशन के साथ केक देख लेना। अब मैं आपको कुछ नहीं दिखाऊंगा, सीधा नीचे चलते हैं। तो किए गए हो क्या बिल्कुल बना रखा है तभी तो मैंने किटकैट लगाई है, मैं कुछ खाने का कुछ तो अरे टेस्ट करके बता रहा ना कैसा है। ठीक है ले मार दो ना Happy birthday to you. Happy birthday to you. गरम होगी। लो ये बस खा लो, खा के बताओ, मतलब खा के बताओ कैसा बना। मेन तो ये है नहीं बना अब क्या बताऊं तेरे को मैं। फ्रीज ज्यादा कर दिया इसने। अरे मैं लाने नहीं लेता है। हैं क्या कह रहा है इसमें? अंडा वंडा कुछ नहीं है इसमें। खाओ खाओ आप खाओ, मेन तो आपका है, देख के खाना। अरे इतना सा क्या वो वाला मैं ले लिया बस हो गया ना भाई ना, ये बड़ा पीस रबड़ की तरह ना, मैं नुकसान देगा मैं नहीं खाना। कैसा बनाया तो बताओ। ठीक बन रहा है पर रबड़ की तरह हो रहा है, सही है। इधर तूने पिज्जा बनाया यार, केक थोड़े बनाए पर अच्छा बन रहा, बुरा ना बन रहा, सही है। क्या नहीं है ये हाँ नहीं सही में अच्छा, बुरा नहीं है, पिज्जा की तरह कट रहा पानी तो भाई। तो गाइस यार आज का यही था पूरा व्लॉग और केक सच में बहुत अच्छा बना है। मेरे को कसम से बस थोड़ा सा ना टाइट सा हो गया रबड़ रबड़ सा, क्योंकि ठंडा हो चुका है, वरना वैसे तो जब मैंने स्टार्टिंग में निकाला था ना वो बहुत सही था, फ्लफी फ्लफी था। उसके किनारे थोड़ी सी जल गई थी, वो मैंने वो पूरी काट दी थी। बाकी अब केक बहुत अच्छा बना, मैं रात को थोड़ा और खाऊंगा, मुझे तो बढ़िया लगा। पापा को भी ठीक रहा, पर ये मेरे मम्मी पापा ना केक वगैरह थोड़ा ज़्यादा खाते नहीं। मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं खाती, जिस चीज़ में चॉकलेट है ना मेरी माँ ज़रा से भी नहीं खाती। तो हाँ यही है, ये इनका ना बाहर का अगर कुछ खाना मिले तो इनको दो तीन चीज़ें समझ आती है, जैसे ढोकला हो गया डोसा हो गया, यही खाते हैं भाई बाहर का, और कुछ नहीं खाते मेरे घर वाले। तो खैर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, पापा का बर्थडे था, बर्थडे अच्छे से मना ही दिया है। बाकी मिलते जल्दी नए ब्लॉग के साथ। अगला चैलेंज मैं सोच रहा हूँ मैगी चैलेंज करने का, लेकिन मेरे को ना उसमें पता नहीं है कि मैगी से मैं क्या क्या आइटम बना सकता हूँ। आप सब ना कमेंट में बताना जरूर कि मैं मैगी से क्या क्या बना सकता हूँ। मिलते जल्दी नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप सब ध्यान रखो, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।